हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चौहान व्लॉग्स। मैं आपका अपना गगन चौहान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो किचन की। आपके मेरे पास बार बार क्वायरी आ रही थी कि किचन का नीचे का जो फ्रेम होता है वो कैसे बनाना चाहिए, कैसे बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नीचे का जो फ्रेम बनता है किचन का वो कैसे बनता है और क्या साइज उसका रखना चाहिए हमें और उसको बनाने का सही तरीका क्या है। अब जैसे आ जाइए, आप मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये सिंक वाला एरिया है, इसमें हमने जो लगाई है डबल बाउल वाली सिंक लगाई है। इसका जो साइज है हमारा 45 इंच की सिंक है पूरी चौड़ाई में। इसकी जो अंदर की कैबिनेट हम बनाते हैं पूरी 4 फीट की कैबिनेट बनाते हैं। और जो सिंक वाला एरिया है आप ये देख रहे हैं, इसमें WPC का बोर्ड है। ये प्लास्टिक वाला बोर्ड होता है बिल्कुल। ये पानी मतलब कितना भी हैवी पानी का वर्क हो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की, पानी से कभी भी कोई शिकायत नहीं आती इसके अंदर। तो जो सिंक वाला एरिया आएगा वो हम इसमें WPC वाले बोर्ड में बनाते हैं। और इसकी जो डेप्थ अंदर रहती है पूरी, हम जो इसकी गहराई बनाते हैं बोर्ड की, वो 22 इंची रहती है पूरी। 22 इंची से क्या बेनिफिट होता है, जो हमारा ऊपर का टॉप की हाइट आती है, जो पत्थर की गहराई होती है, पत्थर की गहराई में से हमें 27 इंची रखनी चाहिए। 27 इंची से क्या होता है कि 3 इंची आपका फ्रेम से बाहर आ जाता है। तो उसमें एक तो डबल पट्टी बड़े आराम से बन जाती है और जो हमारे अंदर की कैबिनेट्स आती है वो थोड़ा 3 इंची पीछे रहती है पत्थर से। उससे क्या होता है, जैसे कभी भी पानी वगैरह या कुछ भी गिरता है तो वो डायरेक्ट कभी भी आपकी कैबिनेट में नहीं जाता। अब ये वाला सेक्शन तो आ गया हमारा WPC वाला। इसी के बाद इधर हमारा आगे पूरा HDMI बोर्ड में है। ये सेंचुरी का हमारा वाटरप्रूफ बोर्ड है, इसमें हमने HDMI लगाया है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो इसके नीचे ना एक थड़ा बना हुआ है, ये सीमेंट का जो बना हुआ है पूरा, ये 2 इंच की इसकी प्रोफाइल हाइट है। नीचे इसकी जो गहराई है वो 22 इंची गहरा बनता है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि 22 इंची पे कैबिनेट पूरी वाली स्ट्रेट आ जाती है। उससे एक तो नीचे स्ट्रेंथ बन गई और साफ सफाई करने में नीचे से कैबिनेट हमारी ठीक रहती है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। अब जैसे ये वाला आ गया, इधर हमने एक BPO दिया है इसमें सेंटर में। इधर आपके 2 पल्ले आ जाएंगे बड़े बर्तन वगैरह रखने के लिए, कुछ भी आप इसमें आराम से सामान रख सकते हैं। ये ऐसे सॉफ्ट क्लोथ है। इसी के बाद हमने इसमें 2 हैंगर टैग लिए हैं। ये अपने बाउल के लिए आ जाएंगी, इसमें चाहे आप प्लेट होल्डर आ जाएगा, एक में बाउल लग जाएगा, आप उसको आराम से कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो ऊंचाई होती है ना, हमारी पत्थर की जो ऊंचाई होती है वो हमको जो रखनी होती है वो 33 इंच रखनी होती है, 33। उसमें क्या होता है, जैसे नीचे 2 इंच का तो आपका थड़ा आ गया हमारे, उसमें भाषा में थड़ा बोलते हैं कारपेंटर की भाषा में। उसके बाद हमारी जो ऊपर की कैबिनेट आ गई वो हमारी आ जाती है 28 इंची की। 28 इंची ले लो आप, 27 इंची ले लो, उसके ऊपर फिर हमारा 1.5 इंची का पत्थर का बॉर्डर बन जाता है। तो उससे हमारी जो इसकी एग्जैक्ट हाइट होती है वो 33 इंची हो जाती है। 33 इंची इसकी ऊंचाई हो गई और 27 इंची इसकी ऐसे गहराई होनी चाहिए। और नीचे का जो फ्रेम बनाते हैं ना, जैसे पहले बहुत से लोग क्या करते हैं अल्मोनियम सेक्शन में बनाते हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे हमारा इधर भी बोर्ड है, ऊपर टॉप में भी बोर्ड है, नीचे भी बोर्ड है और बैक में भी बोर्ड है। इससे क्या है कि एक तो आपका अलग अलग पार्टीशन हो गया पूरा, आपने देख रहे होंगे ये इधर से भी पूरा बंद है, ये सेक्शन भी पूरा बंद है, ये सेक्शन भी पूरा बंद है। इसमें क्या है, जैसे एक ड्रॉअर आपकी कोई खुली रह गई, जैसे मानो ये ड्रॉअर खुली रह गई, तो चूहियां जो आपकी जाएगी ना खाली एक ही ड्रॉअर में जाएगी, ये नहीं कि पूरी किचन में आपके अंदर से भागी। तो इससे यही बेनिफिट होता है कि इसमें अंदर से पूरा क्लीनिंग वगैरह करने में भी आसानी रहती है और इधर उधर आपका कूड़ा या चूहियां वगैरह कोई भी कुछ नहीं जाता। और इससे ऊपर से पत्थर की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आ जाती है। अब इधर जैसे कॉर्नर में आ गए, कॉर्नर वाली साइड जो है इधर हमने जो लिया 45 इंची का आता है, इसमें क्या आप अपना, और जो ऊपर की हमने कैबिनेट ली है इसकी जो ऊंचाई है वो 27 इंची है। इसमें हमारा नीचे नॉर्मल हार्ड बोर्ड वाला पल्ला आ जाएगा, ऊपर से हमारा प्रोफाइल वाला पल्ला आ जाएगा। इधर ही कॉर्नर में हमने पूरा एक पेंट्री आपकी क्रॉकरी यूनिट ली है, इसमें अंदर से प्रोफाइल लाइट के लिए ग्रुप है अंदर पूरा, इसमें अंदर से लाइटिंग फिट हो जाएगी, नीचे अपने अपने पूरे स्लैब आ जाएंगे इसके अंदर, ऊपर से हमारे प्रोफाइल वाले पल्ले आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, उससे क्या है आपको हमारी नई नई आगे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।